नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। गौला खनन संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोटा हल्दू में धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान खनन व्यवसायियों ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक, लोकसभा सांसद से लेकर कई अधिकारियों के समक्ष अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाई, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन व्यवसायी जब तक रेट नहीं तब तक गेट नहीं और एक प्रदेश एक रॉयल्टी समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान गोला खनन संघर्ष समिति संयोजक रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि पूरे प्रदेश में खनन नीति की व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी कोई भी खनन व्यवसायी नदी में अपने वाहनों को नहीं भेजेगा और हमारी 5 सूत्रीय मांगों का जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 3 महीने से कर रहे हैं लेकिन आज धरने में हमारा अनिश्चितकालीन जो धरना है आज 5वां दिन है और सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद और जो है यहाँ पर के CM, DM, SDM सबको हमने ज्ञापन दे दिया है, सबको अपनी जो है अपनी जो हमारे दुख है हमारी जो मांगे हैं सबको दे दिया है लेकिन सरकार सोई हुई है, ओवर कॉन्फिडेंस की सरकार है इसलिए हमारी बात को मान रही है। हमारे जो है खनन प्रेमी जो मुख्यमंत्री महोदय है उनको जो है पट्टू पर विश्वास है और जो ईमानदारी की जो नदी चल रही है इस पर कोई विश्वास नहीं है। सूत्री मांगे हैं, एक तो पहली तो जो इन्होंने रॉयल्टी की विसंगतियाँ जो अलग जगह पर कहीं 8 कहीं 15 कहीं नदी में 30-30 रुपये की रॉयल्टी रखी है तो हमारा मानना या कहना यह है कि एक राज्य में एक रॉयल्टी लागू हो। नंबर दो, हमारी सिलेंडर की अवधि, हमारे पास काम नहीं है, देखो हम गाड़ी निकालने में असमर्थ हैं तो हमें ज़बरदस्ती RTO विभाग से कहा जाता है कि तुम्हारे 6 महीने हो गए हैं और जो है 6 महीने में आप गाड़ी रिलीज कराओ उसके बाद टैक्स भरो। जब हमारे पास काम करने को होता है पैसे होते तो हम रिलीज भी कराते टैक्स भी भरते। इस समय हमारी तीसरी जो फिटनेस है, फिटनेस जो पहले 1400 रुपये की रसीद करती थी आज उसके 11 गुना बढ़ गया है, आज 18000 रुपये हमारी जो है फिटनेस हो रही है। वैसे ही हमारा जो है ये डिवाइस जो है लागू करवा रहे हैं GPRS, ज़बरदस्ती इनका है कि GPRS लगाओ। जब हम जो है 3 किलोमीटर का हमारे नदी का काम है तो ऑलरेडी उस जो है FRID चिप गेटों पर लगी हुई है तो उसका फिर जो है GPRS ज़बरदस्ती 7000 ब्लैक में चल रहे हैं, 7000 रुपये ले रहे हैं। जो GPRS 15 का लगता है वो इन्होंने अपने दलालों को दे रखे हैं वो 7000 रुपये के लगा रहे हैं। और वैसी कई समस्या, ट्रैक्टर ट्राली में एक टैक्स नहीं है, ट्रैक्टर में अलग टैक्स लग रहा है, ट्राली में अलग टैक्स लग रहा है, जबकि यहाँ पर 22 टायरे गाड़ी जो घोड़े चल रहे हैं उनमें जो है एक टैक्स है तो ट्रैक्टर ट्राली में 60 क्विंटल में जो है अलग अलग टैक्स ले रहे हैं। तो ये कई तमाम समस्याएँ हमारी परिवहन विभाग और खनन विभाग की समस्याएँ हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है। जब तक ये नहीं सुनेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे।